जैसे ऐसा कुछ है तो ये भी तुम्हारा प्रिज्म कहलाएगा ना। मान लो क्यूब या क्यूबॉइड के शेप में, तो इसमें होता क्या है, प्रिज्म में जैसे तुम कोई लाइट रे डालोगे तो ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो लाइट रे कुछ एंगल पे डेविएट हो जाएगी, जिस एंगल पे आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, क्योंकि ये ग्लास का है कुछ, तो यहाँ से फिर उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, तो ऐसे कुछ चली जाएगी। समझ में आया क्या? तो हर एक प्रिज्म को पता है दो तरीके से, मतलब उनमें दो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, एक तो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जनरली ग्लास का बनाते हैं तो क्या हो जाता है 3/2, ठीक है, और फिर क्या होता है जिन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बीच का एंगल, जैसे इस केस में इस सरफेस और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसका एंगल क्या रहेगा, इसमें 90 डिग्री है ना, उस एंगल को हम ए बोलते हैं, ए कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और वो क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है, एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस थ्रू विच रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, जिन दो सर्फेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दोनों सर्फेस के बीच का एंगल है ना, लिख लो इसे ना, एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस, एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस थ्रू विच रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। प्रिज्म तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, कई शेप में हो सकता है ना, प्रिज्म तो हम सभी को बोलते हैं, ये भी हमारा प्रिज्म कहलाएगा, इस तरह का जनरली बता इस तरह के होते हैं प्रिज्म, है ना। तो इसमें तुमने मान लो यहाँ पे लाइट रे डाली तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, फिर क्या करेगी, अब इधर पे गई, इधर पे फिर नॉर्मल डालो, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो रे इस तरह से आई और ऐसे डेविएट होके चली गई, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कहलाएगा, कौन सा होगा, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, ऊपर वाला होगा ना, इन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये ए तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो इस शेप का दे दिया तुम्हें और लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही है तुम्हारी, अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल या फिर ये वाला, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, लाइट रे के लिए तो दोनों सेम है ना, उसको थोड़ी ना पता है तुमने ऊपर से काट दिया, और इन दो सरफेस के बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ठीक है ना, मैथ्स आती है ना उनको, तो एक्सटेंड कर देते हैं, एक तरह से इतना पार्ट तुमने काट दिया प्रिज्म का बस, तो अभी भी एंगल ऑफ प्रिज्म यही कहलाएगा, इन दो सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये नहीं है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी नहीं है, यही कहलाएगा, ठीक है, बना लो ये देखो। इसमें अब हमने क्या दिखा दिया कि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर एक है ना, एक रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, पर असलियत में ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो जब यहाँ से यहाँ जा रही है रे तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे तो हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, पर ये जो जगह है ना, जब यहाँ से लाइट निकलती है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि TIR भी हो सकता है, समझे हो, ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल से एंगल बन रहा है ना, अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो रे बाहर निकलने की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है प्रिज्म में, हमको इसको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो, अभी तो बस समझाने के लिए दिखा दिया डायग्राम, अब हम उन दोनों केसेस को देख लेते हैं, समझ में आया क्या, इस सरफेस पे तो हमेशा रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि TIR सिर्फ तब होता है जब डेंसर से रेयरर जाती है, यहाँ पर तो रेयरर से डेंसर जा रही है, यहाँ पर TIR कभी नहीं हो सकता, पहले रिफ्रैक्शन पे ना, तो पहला वाला तो हमेशा ही रिफ्रैक्शन होगा, जो दूसरा वाला है वहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रे बाहर निकल जाएगी रिफ्रैक्ट होके, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ में आया क्या, तो हम दोनों केसेस को स्टडी कर लेते हैं, लिखो केस वन, लिखो पॉसिबिलिटी वन क्या है, अगर दोनों ही सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर क्या सीन होगा, बना लेते एक प्रिज्म बना लेते है ना, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी रैंडम ट्रायंगल है ना हमारे पास, मान लो लाइट रे इस तरीके से जा रही है कुछ,
मान लो ऐसे गिरी लाइट, तो नॉर्मल क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा इस सरफेस पे नॉर्मल हुआ, मान लेते लाइट एंगल बना रही है, एंगल आई, ये कहलाएगा कि ये वाला कहलाएगा? ये कहलाएगा ना, नॉर्मल से जो एंगल बनता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तुम्हारा आई, आई क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब उसके बाद बताओ क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना? इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू मान लेते हैं, और एयर का तो क्या होता है वन, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर देते हैं इसको, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इसको आर वन बोल देते हैं, ठीक है, मतलब है ना इस एंगल पे। इसको भी नॉर्मल से मेजर करेंगे, सारे एंगल नॉर्मल से मेजर करे जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस हमने पढ़ा था प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन वही लगाया है। इन दोनों में रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्या रिलेशन आएगी? स्नेल्स लॉ से वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, रिलेशन भी लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ से, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पे गिर रही है, नॉर्मल ये है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के लाएगा इस बात, इस सरफेस के लिए, इसको हम अभी पता है नाम दे देते हैं आर टू, आर टू बोल रहे हैं इसको, है ना, इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे आर टू बोल रहे हैं। अब बता है लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जिस एंगल से गई उससे अवे बेंड कर गई, तो इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ ई, ठीक है। ई क्या कहलाता है तुम्हारा? एंगल ऑफ इमरजेंस। फाइनली जिस एंगल पे नॉर्मल से, सारे एंगल नॉर्मल से हैं, है ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ में नॉर्मल यूज करते थे हम, जिस एंगल पे रे बाहर निकल रही है फाइनली, वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा हमारा। तो ये फिगर क्लियर है और सारे एंगल्स क्लियर हैं क्या? देखो एक मिसकंसेप्शन हो जाता है जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये दोनों हमेशा पैरेलल होना ज़रूरी है। है क्या पैरेलल? इसको मेंशन भी कर दो एक बार, पता नहीं दिमाग में डाउट आता है कि भाई ये दोनों हमेशा पैरेलल रहते या नहीं रहते। तो दिस रे, जब रे पता है प्रिज्म के अंदर जा रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो। हाँ, पर अगर तुम्हारा इक्विलेटरल प्रिज्म है उस केस में ये दोनों हमेशा नहीं, उस केस में भी हमेशा पैरेलल नहीं होंगे ना। उस केस में बता दूँ कब पैरेलल होंगे, जब आई और ई दोनों बराबर हो जाए तब पैरेलल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो कोई किसी स्पेशल केस में होते हैं तो ठीक है, वरना तुम्हें याद रखना है कि दीज टू नीड नॉट बी पैरेलल, ये लिख लेना है ना, इसको मेंशन कर लो, कुछ भी एरो वगैरह बना के, रे इनसाइड द प्रिज्म नीड नॉट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। बुक, सारी बुक्स में इक्विलेटरल प्रिज्म बना होता है तो उसमें पता है ऐसा दिख सा रहा होता है कि भाई रे दोनों पैरेलल हैं, पर हमने तो जो बनाया उसमें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं है पैरेलल। इन दोनों में कोई रिलेशन लिख सकते हैं क्या? म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू वन इंटू, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा ना। तो जब भी तुम्हें कोई प्रिज्म दिया होगा तो मैं ये दो चीज़ें बताऊंगी बस प्रिज्म के बारे में, दो चीज़ें प्रिज्म बना देती हैं बस, है ना, दो इन्फॉर्मेशन होती हैं क्या? एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा म्यू। कोई भी प्रिज्म, दो ही प्रॉपर्टी हैं बस प्रिज्म की, एक तो म्यू बता दो भाई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया किस मटेरियल का है, दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म बता दो ए, ये तो मैं पता रहेगा ये दोनों क्वांटिटी ए और म्यू। और लाइट क्योंकि तुम डाल रहे हो तो आई भी तुम्हें पता है, समझ में आ रहा है? ए तुम्हें पता है, म्यू तुम्हें पता है, और लाइट तुम डाल रहे हो तो आई भी तुम्हें पता है किस एंगल पे तुम डाल रहे हो। अब उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें तुम्हें डिटरमिन करना आना चाहिए, समझ रहे हो? तो आर वन निकालने को कहे तो आर वन तो भाई सीधा निकाल देंगे यहाँ से, समझ में आ रहा है? आर टू निकाल पाएंगे क्या? यहाँ पे दो वेरिएबल हैं अभी, ये तो चलो तुमने आर वन तो निकाल लिया, तुमने क्लियर दिख गया, क्योंकि आई भी तुमको पता है, म्यू भी तुमको पता है, तुमको समझ में आ रहा है? तुमको क्या क्या पता होता है भाई? प्रिज्म दिया तुमको, तुमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ये पता है, लाइट तुमने डाली तो तुम्हें आई पता है, ये तीन चीज़ें तुम्हें पता है, पर ये तीन चीज़ें तुम्हें निकालनी है। आर वन तो देखो पहली इक्वेशन से ही निकल गया, अब आर टू और ई निकालने हैं, ये दोनों ही नहीं पता, अगर किसी तरह से आर टू निकाल लेंगे तो ई भी पता चल जाएगा, तो आर टू कैसे निकालें? देखते कुछ सही ट्राइंगल व्राइंगल कुछ खेलते ना, ये आर वन है,
तो अच्छा, और ये नॉर्मल है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर वन, तो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई टू माइनस आर वन। और देखो ये भी पूरा 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस आर टू। और देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, तो इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? कर लेते हम, ए प्लस पाई बाई टू माइनस आर वन प्लस पाई बाई टू माइनस आर टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई, तो ये तो कट गया है ना। तो तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है इससे? आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, तो इसमें आर वन प्लस आर टू तुम्हारा ए होता है। तो मिल गया ना आर टू भी, नहीं मिला क्या? मिल तो गया भाई। अरे आर वन तुम्हें यहाँ से मिल गया, इस इक्वेशन से, ए तुम्हें पता है, आर वन तुम्हें पता है, तो आर टू भी मिल गया, और आर टू पता चल गया तो ये भी पता चल गया। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि जब वो प्रिज्म से पास होके निकल गई रे, तो टोटल कितना एंगल डेविएट हुई है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो ये रे ऐसे आ रही थी पहले, कितना डेविएट हुई? ऐसे आ रही थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे निकल जाती, पर प्रिज्म के कारण वो ऐसे हो गई। तो पहला एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ये तुम्हारा डेल वन, क्लॉकवाइज डेविएट करी, कितना एंगल? डेल वन। फिर उसके बाद ऐसे सीधा जाना चाह रही थी, पर मीडियम चेंज होने के कारण ऐसी हो गई, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ तुम्हारा? डेल टू। यही होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा ना। पहले डेल वन क्लॉकवाइज घूमी, फिर डेल टू घूमी, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेल वन प्लस डेल टू, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज हमको दिख रहा है, तो ऐड कर देंगे सीधा। तो उसके लिए पहले डेल वन और डेल टू निकालना पड़ेगा। बताओ जल्दी से, डेल वन और डेल टू क्या है? डेल वन क्या है और डेल टू क्या है? क्या है डेल वन? दिख रहा है सबको? ये तो हमने लिखे भी हुए ना, ये आई है, तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, आई में से आर वन हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? डेल वन। तो डेल वन इज आई माइनस आर वन। डेल टू बताओ, दिख रहा है सबको? तो ये पूरा का पूरा ई है, मतलब अच्छा ये आर टू है तुम्हारा है ना, तो ये वाला एंगल आर टू हो जाएगा, ये आर टू है तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल तुम्हारा आर टू हो जाएगा। तो डेल टू इज नथिंग बट ई माइनस आर टू। तो हमसे तो वो क्या बोलेंगे कि भाई नेट डेविएशन बताओ, प्रिज्म के कारण नेट कितना डेविएट हो गई रे, नेट डेविएशन क्या होगा? तो क्या होगा नेट डेविएशन? डेल वन प्लस डेल टू। तो क्या आ गया देखो यहाँ पे, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। देखो यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है भाई, प्लस ई आएगा, आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू। और आर वन प्लस आर टू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? तो देखो हमने नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया, डेल इक्वल टू क्या आ गया? आई प्लस ई माइनस ए। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, नेट डेविएशन क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए, जब दोनों सरफेस से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, तब। तो इसको मैं डेल आर लिख देता हूँ। ये कब है एंगल ऑफ डेविएशन? हमेशा नहीं है प्रिज्म में, ये तब है एंगल ऑफ डेविएशन जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो उसी केस को स्टडी कर रहे हैं हम, अगर एक सरफेस से रिफ्रैक्शन और दूसरे सरफेस से टी आई आर होगा तब कुछ और निकल के आएगा। तो लिखना एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन देयर इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ द सरफेसेस, ये मेंशन करो फॉर्मूले के साथ, वरना हमारी आदत हो जाती है हम फॉर्मूला याद करते हैं और हर जगह उसी फॉर्मूले को लगा देते हैं बिना सोचे समझे। प्रिज्म देखेंगे तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया, गलत है ये, है ना? जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तब ये फॉर्मूला लगेगा, बस यही छोटी छोटी क्लैरिटी रखनी है ना, ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं। चलो मुझे ई एज ए फंक्शन ऑफ आई बताओ। देखो इनमें से दो इक्वेशन यूज करके निकल जाएगा ई एज ए फंक्शन ऑफ आई। ई आई पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये बताओ। तो देखो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है ई क्या है अपना, साइन ई, यहाँ पर क्या है अपना म्यू साइन आर टू। इस इक्वेशन से आर टू को रखना है, आर टू क्या है? ए माइनस आर वन,
तो साइन ई क्या आ गया तुम्हारा, म्यू साइन आर टू, आर टू की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस आर वन, और आर वन कितना है तुम्हारा, साइन आई बाय म्यू, साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू, तो तुम्हारा साइन ई आ गया म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है ना, और फिर ई को भी तुम लिखोगे अब साइन इनवर्स करके, है ना, ई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। पर इतना तो क्लियर दिख रहा है, कितना भी गंदा सा फॉर्मेट आ रहा हो, पर ई सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, आई, म्यू कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो जिस एंगल पे किस एंगल पे बाहर आएगी ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा तुम किस एंगल पे डाल रहे हो। चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, पता नहीं कैसा बनेगा, वो तो खतरनाक सा कर्वेचर वगैरह आएगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर कोशिश करते हैं ना। तो आई को ज़ीरो रखने पे ई क्या हो जाएगा, आई को ज़ीरो रख दें अगर तो ई क्या आ रहा है, म्यू म्यू साइन है, साइन इनवर्स म्यू साइन है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, आई को ज़ीरो रख सकते हैं, ज़ीरो रखने का मतलब समझो आई को इस तरह से तुमने डाला, ठीक है। अब आई को ज़ीरो रख दिया, अब आई को 90 रख देते हैं, आई को 90 रखने पे क्या आ जाएगा, अच्छा ये बताओ आई को इंक्रीज़ करने पे ई बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताओ, मैंने तो आई को बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा या घटेगा, ये समझ रहा है, आई को बढ़ा रहे हैं तो ई हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है सबको। इसको इंक्रीज़ करेंगे, आई को इंक्रीज़ करेंगे तो साइन भी बढ़ेगा 0 से 90 डिग्री तक, है ना, 0 से 90 रहेगा, उसके बाद मतलब मीनिंगलेस है उसके अलावा डिस्कस करना। तो देखो, तो आई बढ़ा रहे हैं तो साइन आई बढ़ रहा है, साइन आई बढ़ रहा है तो साइन इनवर्स भी बढ़ रहा है, मतलब आई को बढ़ाने से ये पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ए माइनस दिस क्वांटिटी क्या होगा, कम होगी, तो अगर ये कम होगा तो उसका साइन भी कम होगा और उसका इनवर्स भी कम होगा। इतना तो क्लियरली हमको दिख रहा है, एज आई इंक्रीजेस एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। इसका हम ग्राफ नहीं बना रहे क्योंकि वो कैसा आएगा पता नहीं है ना, पर इतना है कि वो क्लियरली डिक्रीज़ कर रहा है ना, उसका कर्वेचर कैसा होगा वो पता नहीं, पर डिक्रीज़ क्लियरली कर रहा है, आई को बढ़ाने पे ई कम हो रहा है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी। अब मैं तो बता रहा हूँ डेल वर्सेस आई का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तुम समझ रहे हो ना, एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंड कर रहा है, ए कॉन्स्टेंट है, ये आई, और ई भी देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, पर इसका ग्राफ बनाना था, ये मैंने लिखा क्योंकि एक्चुअली मुझे डेल वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है, तो सोचो बस कैसा बनेगा, तुम समझो ना, आई को जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ई कम होता जाएगा, तो आई को बढ़ा रहा हूँ तो ई कम हो रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कब बताएं मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा, ठीक है, ये समझो, मतलब इसका ग्राफ बताएं मोनोटोनिकली नहीं जाएगा कि आई को बढ़ाने से वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाए या फिर कम होता जाए, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी तुम्हारी कम हो रही है, आई को बढ़ाओगे तो ई कम हो जाएगा, है ना, आई को कम करोगे तो ई बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आई प्लस ई तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो देखो खतरनाक सा कॉम्बिनेशन है। तो इसका ग्राफ हम सीधा सा बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कैसा होता है ना, तो देखो डेल वर्सेस यहाँ पे बना देता हूँ, पर मैंने ये बता दिया कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी कम होती है ना, तो ये मोनोटोनिकली तो नहीं रहने वाला, मोनोटोनिकली मतलब समझते हो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, तो डेल उस तरह से तो नहीं रहने वाला। इसमें खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस ये कि फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, जब मैथ्स पढ़ लोगे उसके बाद भी तुम खुद से पूरा अच्छे से नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन वगैरह ही बहुत खतरनाक हो जाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए चाहिए होते हैं ना, देख सोचो इसको डिफरेंशिएट करोगे कितने गंदे फंक्शन आएंगे। तो डेल वर्सेस उसका ग्राफ बनाता हूँ मैं ना, किसका, आई का, आई को ज़ीरो रखेंगे तो ये क्या हो गया, ज़ीरो, और ई की कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है माइनस ए, तो मतलब एंगल ऑफ डिविजन ज़ीरो नहीं है,
आई को जीरो रखने पे एंगल ऑफ डेविएशन जीरो नहीं है, कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है उस क्वांटिटी से मुझे मतलब नहीं है ना। फिर तुम जब आई को इंक्रीज कर रहे हो ना, ई उससे ज़्यादा फास्ट रेट से डिक्रीज करता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। ई का जो स्लोप आएगा ना निकल के, वो आई इससे ज़्यादा ही आएगा, जिस रेट से आई इंक्रीज करेगा उससे ज़्यादा फास्ट रेट से क्या होगा, तुम्हारा ई ड्रॉप करेगा। तो स्टार्टिंग में जब हम आई को बढ़ाते हैं तो डेल क्या होता है, ओवरऑल कम होता है। तो यहाँ से कहीं स्टार्ट करेगा, एंगल ऑफ डिविजन कम होगा, तो फिर एक पॉइंट आएगा जब वो होगा, फिर से उसके बाद क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा। सेम जगह पर राइज करे ये कोई ज़रूरी नहीं ना, ऐसा कुछ बना देते हैं अभी के लिए। तो ये पॉइंट पर तुम्हारा आई क्या था, ज़ीरो, और इस पॉइंट पर आई कुछ तुम्हारा है, हम वो बाद में बात करेंगे ना, आई वो 90 डिग्री रहेगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, बना लो इसे। इस पॉइंट पे तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये अपन डेल रिफ्लेक्शन के लिए बना रहे हैं ना, डेल आर लिख लो। यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब भी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस पॉइंट पे आई और ई बराबर हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ से यहाँ तक ई डोमिनेट कर रहा है, मतलब ई आई से ज़्यादा फास्ट रेट से कम हो रहा है, और यहाँ पे कौन डोमिनेट करने लगा, आई, मतलब ई आई से कम रेट से डिक्रीज कर रहा है। एंड दिस ग्राफ इज़ नॉट सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक ग्राफ है, डिस्कस करेंगे, ये बताऊंगा, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। अभी के लिए जानबूझिए वो पॉइंट मैंने छोड़ा है। इसलिए मैंने छोड़ दिया ना, अभी दिमाग में नहीं घुसेगा ना, अभी मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, उसके बाद आराम से इस पे वापस आएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मैंने आई को 90 भी नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है आई 90 होने से पहले TIR हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है आई 90 भी आए, तो इसलिए मैंने कुछ रीज़न से छोड़ा है, वो हम करेंगे डिस्कस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना, पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी अभी तुम्हें सोचना है, मैंने लिख तो दिया पर ऐसा क्यों है, ये तुम्हारे सोचने के लिए छोड़ दिया मैंने ना, आई और ई बराबर ही क्यों होंगे, इतना इतना कॉन्फिडेंस है मैंने कैसे बोल दिया, ये तुम सोच के लाना, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्शन देन TIR, लिखो। पॉसिबिलिटी नंबर क्या है, पहले सरफेस से क्या हो जाए तुम्हारा रिफ्रैक्शन, वो तो होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले सरफेस में तो है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन देन TIR, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक नोट लिखो, और इसका भी तुम एक्सप्लेन करोगे, मैं नहीं करूँगा, मैं लिखवा रहा हूँ ऊपर तुम्हें, वरना तुम जाओगे नहीं सही डायरेक्शन में। नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर द वैल्यू ऑफ आई मोर द चांसेस ऑफ TIR। स्टार मार लो इस पर, और इसका रीजन एक्सप्लेन करो, लोअर द वैल्यू ऑफ आई मोर द चांसेस ऑफ TIR। लोअर द वैल्यू ऑफ आई मोर द चांसेस ऑफ TIR, करो इसको जरा एक्सप्लेन, कैसे कर पाओगे, मैंने तुम्हें आंसर बता दिया सीधा सीधा है ना, पूछ भी नहीं रहा हूँ मैं तुमसे, अब बस एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करी, यही नहीं सोच पा रहे होगे, सोचने की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, R2 से, फिर उसको बैकवर्ड लेके जाओ, अपने आप दिख जाएगा। TIR के चांसेस बढ़ाने हैं तो R2 को बढ़ाऊँ या कम करूँ, अरे भाई देखो TIR कब होता है, कब होगा, अगर ये R2 तुम्हारा, अगर ये जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो TIR होगा ना, ये सिंपल सा यही तो कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमें TIR चाहिए, TIR की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा है R2, तो R2 तुम्हारा किससे ज़्यादा होना चाहिए, थीटा सी से, ठीक है, तो ठीक है हमें पता है TIR करवाना है तो R2 थीटा सी से जाना चाहिए, और थीटा सी क्या है, साइन थीटा इज नथिंग बट
क्या होगा साइन थीटा सी? वन बाय म्यू, यही तो होता है क्रिटिकल एंगल। म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू वन साइन 90 डिग्री। खोल के देखना भाई, TIR जहाँ पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल ऐसे ही निकालते हैं, साइन थीटा सी इक्वल टू वन बाय म्यू। ठीक है, तो इससे फिर इक्वेशन वगैरह लिखनी होगी, तो तुम क्या लिख सकते हो इसके बाद? साइन R2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ग्रेटर देन ही क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में बात कर रहे हैं। ये सब पढ़ लिया है तुमने मैथ्स में? ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दोनों में साइन लगाऊँ और ग्रेटर देन का साइन ही रहे, कई बार वो साइन लेस देन भी हो जाता है। ये पढ़ाया गया है तुम्हें, पर यहाँ पर क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री के बीच में बात कर रहे हैं, तुम लोग के दिमाग में ग्राफ वगैरह चलते हैं या नहीं चलते? जब डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्राफ आना चाहिए साइन का दिमाग में। 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है ना, तो इसके बाद अगर इस इक्वेशन के बाद मैं दोनों जगह साइन लगा दूँ, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है पर बता रहा हूँ आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या क्या इक्वेशन फॉलो करेगी? साइन R2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी। क्यों? क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री पे ही सारी बातें कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें साइन इंक्रीज करता है मोनोटोनिकली। खैर अगर तब समझ में नहीं आया तो अब तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये होगा है ना। चलो फिर अब बताओ ना, ये तो TIR के लिए ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है ना। तो मतलब अगर मुझे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ TIR, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ TIR, R2 क्या करना चाहिए मुझे? R2 को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? बस चांसेस इंक्रीज करने के लिए बढ़ाना, क्योंकि R2 को इससे बड़ा होना है, तो जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ज़्यादा मतलब अगर TIR करवाना है तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर TIR करवाना है, TIR के चांसेस बढ़ाने हैं, तो R2 को मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। पर अगर R2 को बढ़ाना है तो R1 को क्या करना पड़ेगा? क्यों भाई? बिल्कुल, क्योंकि भाई R1 प्लस R2 एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इन दोनों का सम कुछ कॉन्स्टेंट होगा, समझ रहे हो? मान लो एंगल ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 30 डिग्री ही होना चाहिए कुछ भी हो जाए। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? कोई और ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। अगर नहीं आ रहा हो ना तो पूछ लेना भाई रोक के। बात है ना कि अगर इसको बुक से उठा के पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में, इतना कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना। मैंने बताया ना कुछ टॉपिक्स की दिक्कत ये है कि बस वो इतने कन्फ्यूजिंग वे में दिए हुए हैं कि बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं उसके बाद दिमाग में, पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। R2 बढ़ रहा है तो हमारा R1 क्या होगा? कम होगा, ज़रूरी है। और R1 कम होगा तो I क्या होगा? क्यों इतना श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं? देख लो दोनों का रिलेशन, साइन I क्या होता है? म्यू साइन R1। म्यू तो कांस्टेंट है, क्लियरली दिख रहा है यार। R1 को कम करेंगे तो I, अभी तुम्हारी मैथ्स की नॉलेज है बाकी, तो R1 को कम करेंगे मतलब I तुम्हारा डिक्रीज होगा यहाँ से। तो हम उल्टा गए, क्योंकि हमें देख रहा था भाई TIR की बात करनी है तो डायरेक्ट तो हम बताए R2 के टर्म्स में बात कर सकते हैं, पर हमें असलियत में R2 की कोई नॉलेज नहीं होगी, हमारे हाथ में क्या होता है? I। तो इससे हमने I के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, वो प्रिज्म लाना भूल जा रहा हूँ मैं ना, वो एलिमेंट्स में पड़ा हुआ है मेरा, वरना लेज़र तो लेके आया हूँ, लेज़र और प्रिज्म पे मैं ये सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा तुमको कल, ठीक है? तो अगर मुझे TIR के चांसेस बढ़ाने हैं तो क्या करूँगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करना। कम करना मतलब कैसा? रे को ऐसे डालूंगा या ऐसे डालूंगा? आई इस इधर से एंगल है ना, कम करना मतलब नॉर्मली डालना, इसका मतलब ये पता होना चाहिए ना। ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, नॉर्मल से हम एंगल मेज़र करते हैं। तो जब मैं एंगल को कम कर दूंगा तो TIR के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंगल को बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे दूसरे वाले सरफेस से, है ना? पहले से तो हमेशा ही रिफ्रैक्शन है। क्लियर ये वाला पॉइंट? ये लिख लो भाई, 10th क्लास में जितनी पढ़ा हुआ ना बस वही यूज़ कर रहे हैं, बस मैथ्स थोड़ी सी हो जा रही है बीच में, हल्की सी वो भी बिल्कुल, बाकी सब आसान है। ठीक है ना? तो पॉसिबिलिटी नंबर में भी हम 2-3 केस में पढ़ेंगे हम, अरे पॉसिबिलिटी नंबर 2 है ये ना, इसमें भी हम 2-3 केसेस पढ़ेंगे। अब तुम्हें डिज़ाइन करने ना, मैं कुछ भी नहीं करने वाला है ना, सब तुम्हें ही करना है। मैं मुझे 2-3 तरीके के प्रिज्म बनाने अलग अलग तरीके के, ठीक है? इसको ध्यान रखना, सब कुछ करते समय ये चीज़ ध्यान रखना। टू इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ TIR, आई को क्या करोगे? डिक्रीज। आई को बढ़ाओगे तो TIR के चांसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखना बस। अब तुम्हें डिज़ाइन करना है कुछ चीज़ें, है ना?
सबसे पहले मेरे लिए डिज़ाइन करो एक ऐसा प्रिज्म ड्राइव करो, ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म कि फर्क नहीं पड़ता भाई मैं किस एंगल पे डालूं, मैं किस एंगल पे लाइट डाल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाले सरफेस पे क्या होना चाहिए हमेशा TIR, ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग का मतलब भी समझ गए ना, यहाँ पे चाह के भी तुम रिफ्लेक्शन नहीं करा सकते, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, TIR सिर्फ तभी होता है जब डेंसर टू रेयरर जाती है। तो तुम्हें एक ऐसा प्रिज्म बनाना है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, TIR होना चाहिए। समझ में आ गया, करो चालू हो जाओ। अब तुम सोचो, सबको समय सोचना है, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज TIR एट सेकेंड सरफेस। और प्रिज्म डिजाइन करने का मतलब क्या है, ए और म्यू, तुम्हें मैं प्रिज्म दे रहा हूँ तो प्रिज्म की दो ही प्रॉपर्टी हैं, ए और म्यू। तो बताओ ए और म्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए कि तुम्हारा प्रिज्म हमेशा ही रिफ्लेक्ट करे। मान लो किसी की रिक्वायरमेंट है भाई, किसी को किसी चीज़ में लगना है ये इक्विपमेंट, ये सब काम आते हैं तुम्हारे बाइनोक्यूलर्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, पेरीस्कोप बनाने में काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इन इंस्ट्रूमेंट से, तो हर एक जगह अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, हाँ एग्जैक्ट म्यू से ही कम होना चाहिए, क्योंकि म्यू के किसी फंक्शन से कम होना चाहिए। एग्जैक्ट बताओ बिल्कुल, है ना। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में लिखते। देखो TIR करवाना है भाई तो R2 क्या होना चाहिए, इस बार बोला है ना TIR ऑलवेज, TIR करवाना है तो R2 ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, दोनों तरफ साइन लगा लिया तो साइन R2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी इज नथिंग बट 1/μ, एंड R2 इज नथिंग बट a - r1, और r1 इज नथिंग बट क्या लिखते हैं, r1 और i के बीच में रिलेशन, साइन i इज इक्वल टू म्यू इंटू r1। ये क्लियर है क्या, बता दो मतलब क्या है हमारा, हम बोल रहे हैं कि हमें TIR करवाना है ना, और हमें आई के बारे में पता है, अगर आई की वैल्यू कम कर देते तो TIR के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हम बोले कि आई की वैल्यू बढ़ा देंगे तो TIR के चांसेस कम होंगे। तो मैं 0° और 90° में बात करूं तो किस केस में TIR के चांसेस मिनिमम है, 90° में, आई को बढ़ाएंगे तो TIR के चांसेस कम होंगे। तो 90° पे अगर आई तुमने 90° डाला है ना, है ना, अगर तुम्हें कोशिश करनी है कि TIR होने ही नहीं देना, तुम क्या करोगे, 90° पे डालो, 90° पे सबसे कम चांसेस है TIR के, और मान लो 90° पे भी डालने पे अगर TIR हो गया फिर बाकी तो हर एक एंगल पे हो ही रहा होगा। बात समझ में आ रही है ये चीज़, देखो आई की वैल्यू कम करेंगे तो फिर TIR के चांसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तुम्हें क्या करवाना है, हमेशा TIR करवाना है, मतलब तुम सामने वाले को पकड़ा दो और बोलो भाई तुम कुछ भी करो कि TIR ना हो, तो वो क्या करेगा, वो अगर वो उस सामने वाला कोशिश कर रहा है कि उसे TIR नहीं करवाना तो वो आई को किस एंगल पे डालेगा, 90° पे डालेगा, क्योंकि 90° पे मिनिमम चांसेस है TIR के। समझ में आ रहा है, आई को 90° कर देना मतलब कुछ इस तरीके से डालना, और अगर मान लो 90° पे भी TIR हो गया जिस पे मिनिमम चांसेस थे, अगर उस पे भी TIR हो गया फिर तो हर एक एंगल पे होना ही होना है, 90 से जब तुम कम करोगे तब तो TIR के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर 90 पे TIR हो रहा है फिर तो हर एक एंगल पे होगा TIR। चांसेस ऑफ TIR आर मिनिमम एट आई इक्वल टू 90°, क्योंकि यही आई की मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आ रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस भी बोलते हैं, ये नाम भी याद रखना है, जब आई 90° होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये कई बार यूज़ करते हैं ना टर्मिनोलॉजी, आई इक्वल टू 90 मतलब बिल्कुल, ग्रेजिंग मतलब पैरेलल, प्रिज्म के सरफेस के पैरेलल डाल रहे हो तुम लाइट, तो यहाँ पे आई कितना हो गया, आई इक्वल टू 90°, और फेदर पे लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी तुम्हारी ऐसे, और फिर यहाँ पे
ये R2 तुम्हारा थीटा सी से ज़्यादा होगा तो TIR हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अगर बिल्कुल पैरेलल डालेंगे तो सीधी निकल जाएगी, है ना, मतलब टेंडिंग टू 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, टेंडिंग टू 90 डिग्री, आया समझ में। इसको हम ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। अगर इस एंगल पे TIR हो गया फिर तो हर एक एंगल पे TIR होना ही होना है, ठीक है। तो अगर I इक्वल टू 90 के लिए करवा दिया, वर्स्ट केस है ये, वर्स्ट केस में अगर मैंने TIR करवा दिया तो बाकी तो हर एक केस में होगा। तो I को 90 रख दो भाई, तो तुम्हारा कितना आ गया, 1 इक्वल टू μ sin R1 आ गया। I को 90 रखेंगे तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया, sin R1 इज इक्वल टू 1/μ, है ना, या फिर इस केस में R1 तुम्हारा किसके किसके बराबर हो जाएगा, थीटा सी के, इस केस में R1 तुम्हारा थीटा सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, sin R2 ग्रेटर, तुम्हारा क्या आ गया, R2 ग्रेटर देन थीटा सी लिखा है ना हमने, तो इसको सीधा ऐसे ही लिख दो यहाँ पे सिंपल करने के लिए। R2 को हम क्या लिख सकते हैं, a − R1 ग्रेटर देन थीटा सी, तो क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन थीटा सी प्लस R1, एंड R1 यहाँ से देखो वर्स्ट केस के लिए R1 किसके बराबर हो गया तुम्हारा, थीटा सी, तो है ना, a ग्रेटर देन क्या आ गया, थीटा सी प्लस थीटा सी फॉर वर्स्ट केस, आ रहा है समझ में। तो a ग्रेटर देन क्या निकल के आया हमारा, 2 थीटा सी, ये हमारी कंडीशन निकल के। इसको और अच्छे से लिख सकते हो तुम चाहो तो, म्यू वगैरह के टर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, a/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, फिर दोनों तरफ साइन लगा दो, तो sin a/2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, sin θc, या फिर क्या आ जाएगा इसके बाद, sin θc क्या होता है तुम्हारा, हाँ, 1/μ, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन cosec a/2, तो वैसे तो म्यू और ए में रिलेशन तो ये आ रहा है, पर मैं उसको इस तरीके से याद रख लेता हूँ, ये मुझे आसान लगता है, उसके बाद इसको फॉलो कर लेता हूँ। तो ये कंडीशन याद भी रखना है, अगर मैं ऐसा प्रिज्म बनाऊँ जिसका म्यू cosec a/2 से ज़्यादा है, मान लो ए तुम्हारा ले लो कुछ 60 डिग्री है, तो cosec 30 डिग्री, है ना, मान लो ए तुम्हारा 60 डिग्री है, तो a/2 कितना हो गया, 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो तुम अगर ऐसा प्रिज्म बनाओ, अगर ए तुम्हारा 60 डिग्री है, उसका उसका एंगल 60 डिग्री है, और उसका म्यू अगर तुम 2 से ज़्यादा ले लोगे, तो फिर वो प्रिज्म में सेकेंड सर्फेस हमेशा TIR होगा, कुछ भी कर लो, आ रहा है समझ में। तो इस तरह की चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं रियल लाइफ में, है ना, और असलियत में हमारे पास क्या होता है, ए पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, म्यू तो जनरली भाई गिलास ही यूज़ करोगे तो 3/2 होगा, तो हम ए उस हिसाब से ले लेंगे, म्यू मान लो 3/2 ले रहे हो तो ए को उस हिसाब से चूज़ कर लेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारा प्रिज्म तैयार। देखो कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें जिस तरह से याद रखना है ना, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, आसान लगता है याद करने में, कि एंगल ऑफ प्रिज्म 2θc से ज़्यादा हो जाए तो हमेशा TIR होगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इसको Δt बोल देते हैं ना, टी मतलब TIR, एंगल ऑफ डेविएशन एंड TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, बस इतना आ जाएगा, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है Δt इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, Δ1 कितना है तुम्हारा, 90 − R1, है ना, और ये कितना है तुम्हारा, और R1 इज नथिंग बट थीटा सी, और TIR वाली बात करें तो R1 क्या है तुम्हारा, थीटा सी प्लस यहाँ पे कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन लाइट ऐसा जाना चाह रही थी, है ना, पर वो ऐसा टर्न होगा, ये एंगल कितना होगा, π − 2 R2। अब देख लो तुम्हारा क्या आ रहा है, ये π/2 है, तुम्हारा आ गया 3π/2 माइनस थीटा सी हमें पता ही है साइन इनवर्स 1/μ है, और R2 को क्या लिख सकते हैं, तो R2 इज a − R1, और R1 इज नथिंग बट थीटा सी, देखो क्या गया, ये 3π/2 माइनस थीटा सी माइनस प्लस 2 थीटा सी, है ना,
तो प्लस अकेला थीटा सी आ जाएगा, माइनस टू ए, ऐसे निकाल देंगे तो एंगल ऑफ डिविजन ही हो गया। ये याद नहीं रखना, बस ऐसे ही क्वेश्चन से आ जाएंगे तो निकालना आना चाहिए ना। निकाल दिया हमने, इसमें क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस व्हेन टीआईआर अकर्स। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये आंसर है। चलो अब अगला प्रिज्म डिजाइन करो। अगला क्या है बताओ, कैसा बनेंगे? अब ऐसे भी प्रिज्म की जरूरत हो सकती है भाई, तुम्हें तो भाई चाहिए से लाइट तुम्हें चाहिए कि इंसिडेंट होकर बाहर आ जाए हमेशा, तो तुम्हें ऐसा प्रिज्म चाहिए जो कभी भी क्या करे, रिफ्लेक्ट ना करे, नेवर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, या फिर नेवर TIR सेकेंड सरफेस पे भी क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, TIR कभी भी ना हो सेकेंड सरफेस पे। तो फिर क्या रिलेशन होना चाहिए बताओ? अभी आया था A ग्रेटर देन 2θc या फिर म्यू ग्रेटर देन cosec / 2, अब क्या आएगा बताओ? नेवर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डिजाइन करो, म्यू और ए में क्या रिलेशन होना चाहिए फॉर नेवर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? तो अगर तुम्हें चाहिए कि TIR ना हो तो R2 क्या होना चाहिए? R2 लेस देन थीटा सी होना चाहिए, एंड R2 इज नथिंग बट A माइनस R1 तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेस देन थीटा सी, है ना? R2 इज A-R1 प्लस R2 हमेशा ये होगा, बोला था ना, कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब इस केस में देखो, हमें पता है कि जब I की वैल्यू कम करते हैं तो TIR के चांसेस बढ़ जाते हैं, और I की वैल्यू कितनी कम हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम चांसेस हैं TIR होने के। अगर मान लो 0 डिग्री पे डालने पे भी अगर TIR ना हो तो इसका मतलब फिर तो कभी भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम ऐसा कर दो कि भाई फॉर आई इक्वल टू 0 डिग्री भी तुम अगर TIR ना हो तो फिर तो कभी भी नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर तुम आई को 0 रख दोगे तो तुम्हारी लाइट कैसे जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस बोलेंगे इसमें, है ना? लाइट बिल्कुल ऐसे जा रही है, आई तुम्हारा क्या हो गया 0 डिग्री, और जब तुम ऐसे लाइट डालोगे तो R1 भी क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? स्नेल्स लॉ से R1 भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब लाइट बिल्कुल ऐसे चली जाएगी यहाँ पे, और फिर इसके बाद R2 किसके बराबर हो जाएगा, अगर R1 को 0 कर देंगे तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस R1 होता है, R2 तुम्हारा A के बराबर हो जाएगा, फिर इसके बाद ये रे ऐसे चली जाएगी। तो 0 डिग्री पे भी अगर TIR नहीं होगा फिर तो तुम कुछ भी कर लो, कभी भी TIR नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री से अगर एंगल को बढ़ाते तो TIR के चांसेस कम होते हैं, और 0 डिग्री पे ही नहीं हो रहा तो उससे ज़्यादा पे कैसे हो सकता है, तो फिर तो कभी भी नहीं करेगा। तो तुम्हारा क्या निकल के आ गया, A less than θc, ये तुम्हारा आंसर आ गया। सेंटर एक बार में आ गया, वहाँ पे क्या आया था, A greater than 2θc, और A less than θc पे कभी भी TIR नहीं होगा, A greater than 2θc पे हमेशा TIR होगा। इसको और लिख देते हैं, साइन लगा दो, साइन A क्या आ गया तुम्हारा, या फिर cosec लगा देते हैं सीधा, cosec याद रखना 0 से 90 पे क्या करता है, डिक्रीज, तो क्या आ जाएगा इसको cosec लगाएंगे, तो cosec A is greater than cosec थीटा सी, और sin थीटा सी 1/μ होता है, तो cosec थीटा सी क्या हो जाएगा, म्यू, तो तुम्हारा निकल के आ गया म्यू इज लेस देन cosec। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखा करो, है ना, उसके हिसाब से साइन चेंज होता है। तो म्यू ग्रेटर देन cosec A/2 पे क्या होगा, हमेशा TIR होगा, और म्यू लेस देन cosec A पे कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव केस। ये जो केस है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव केस। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, del1 plus del2, यहाँ पे del1 तो 0 है ना, कोई डेविएशन नहीं हुआ, del2 ये, और del2 कितना है अपना E-R2। अब E को क्या लिख सकते हैं भाई, E और R2 में क्या रिलेशन है, sin E इक्वल टू म्यू साइन R2, एंड R2 कितना है तुम्हारा, R2 इज नथिंग बट A, तो E इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इक्वल टू साइन ई आ गया तुम्हारा म्यू इंटू साइन ए, क्योंकि R2 इज नथिंग बट A, तो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया तुम्हारा E क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस
देखो कोई डाउट है क्या? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने से पहले जब क्वेश्चन आए, कोई फॉर्मूला लगाने से पहले देखना भाई TIR हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिनेरियो। बेटा तुझे Case 3 है ना। अब हम एक नॉर्मल प्रिज्म ले लेते हैं ना, Case 3। अब जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं ना अपन, जनरल। हमने देखा कि भाई a अगर 2θc से ज्यादा है तो क्या होगा, जनरल केस है ना, जनरल केस। अगर a 2θc से ज्यादा है तो हमेशा TIR हो रहा है, a अगर θc से कम है तो कभी भी नहीं हो रहा। पर सोचो अगर a, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो डिस्कस ही नहीं करी। अगर इधर चले जाए a, इससे ज्यादा हो जाए तो हमेशा TIR, a इधर चले जाए तो कभी भी TIR नहीं होगा। पर ए अगर इन दोनों के बीच में होगा, समझ रहे हो, तो इधर पे कॉसेक लगा दो, कॉसेक थीटा सी क्या होता है, म्यू। तो म्यू ग्रेटर देन, अच्छा इसको ऐसे इधर डायरेक्ट नहीं करो क्योंकि यहाँ पे 2θ से आ रहा है ना। इसको म्यू के टर्म में बोलो क्या आया था अपना, म्यू ग्रेटर देन कॉसेक ए बाई टू एंड म्यू लेस देन, म्यू ग्रेटर है कॉसेक ए बाई टू से, और कॉसेक ए बाई टू की वैल्यू कॉसेक ए से ज़्यादा होती है एक्चुअली, है ना। तो इसको अपन पता है म्यू के टर्म में सीधा नहीं ले सकते ना, क्योंकि म्यू के टर्म में बीच वाली बाउंड्री के अलावा बाहर की बाउंड्री आ रही है, ठीक है। तो अगर पर तुम्हारा म्यू इन दोनों के बीच में लाई कर जाए, मतलब कॉसेक ए से ज़्यादा हो जाए म्यू और कॉसेक ए बाई टू से कम हो जाए ना, समझ में आ रहा है ना, कॉसेक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ए बाई टू की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी। तो अगर अगर ए तुम्हारा इस रेंज में लाई कर रहा है तो तुम्हारा म्यू इस तरह से लाई करेगा। देख लो ये उन दोनों की रेंज के बारे में, म्यू को चेक कर लो, वहां पे क्या आया था कि म्यू अगर इससे ज्यादा हो जाए, यही था ना, म्यू इससे ज्यादा हो जाए तो क्या था, ऑलवेज TIR था, और म्यू अगर इससे कम हो जाए तो नेवर TIR। तो देखो सेम चीज आ गई, नेवर TIR वाली कंडीशन इधर है, ऑलवेज TIR वाली इसके उधर है ना, क्लियर है। हम उनके बीच की बात कर रहे हैं अब, तो फाइंड IT निकालना है तुम्हें ना, फाइंड IT। IT बताओ क्या है, IT क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ना, एट विच TIR occurs। और हमारे पास जो प्रिज्म है वो कुछ इसी तरह के प्रिज्म होते हैं, मतलब क्या होगा कि कुछ एंगल्स पे TIR हो रहा होगा, कुछ एंगल्स पे नहीं हो रहा होगा। नॉर्मल प्रिज्म है ना, आई की सर्टेन वैल्यू के लिए वो TIR करेगा और कुछ वैल्यूज के लिए नहीं करेगा। तो भाई बताओ वो कौन सी वैल्यू है जिस पे TIR होना स्टार्ट हो जाता है, एट विच TIR स्टार्ट्स, होगा तो बहुत सारी वैल्यूज पे, वो वैल्यू बताओ जिस पे TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। करें तुम्हें चाहिए कि TIR होने लगे ना, मतलब जब तुम एंगल IT पे डाल रहे हो तो TIR स्टार्ट हो रहा है, जब तुमने इसको IT पे डाला तो TIR स्टार्ट हो गया। तो TIR स्टार्ट हो गया मतलब लाइट फिर ऐसे जाएगी, इस पे TIR जस्ट स्टार्ट हुआ है तो लाइट इस तरह से बाहर जाएगी, और ये वाला R2 कितना हो जाना चाहिए उस वक्त, θc के बराबर हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो जब TIR स्टार्ट होगा उस वक्त क्या हो रहा होगा, फॉर I=IT R2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, θc, और E 90 डिग्री हो जाएगा ना, फॉर I=IT E कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, देखो एंगल, क्योंकि इधर पे TIR स्टार्ट हुआ है, TIR जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये होता है ना 90 डिग्री पे जा रहा है। तो फॉर I=IT E तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, और R2 तुम्हारा θc है, R2 θc है, तो R1 कितना हो गया, A - R2 विच इज A - θc। अब इससे I निकल जाएगा हमारा, इसने तो लगा दो, 1 × sin IT इज इक्वल टू μ × sin R1, इसने स्लो लगा दिया तो कितना आ गया, sin IT इज इक्वल टू μ × sin R1 एंड sin R1 इज इन द क्वाट A - θc। तो IT कितना आ गया अपना, IT इज इक्वल टू sin inverse μ sin A - θc। θc को चाहे तो क्या लिख देंगे, sin inverse 1/μ, या फिर θc की तरह छोड़ दो,
वो तो हमको पता ही है थीटा सी क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा आई टी निकल गया। नॉर्मल प्रिज्म में इस एंगल पे टी आई आर स्टार्ट होगा। तो तुम बताए प्रिज्म नॉर्मल है या नहीं है, ये सब तुरंत निकल जाएगा। जैसे ही पता है कोई भी प्रिज्म दिया हो, सबसे पहले उसका थीटा सी कैलकुलेट कर लो तुरंत। प्रिज्म दिया है मान लो, थीटा सी कैसे करोगे, म्यू से करोगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही तुम्हें प्रिज्म दिया हुआ है उसका थीटा सी फटाक से कैलकुलेट कर लो और फिर देख लो भाई वो किस रेंज में आ रहा है। अगर तुम्हारा ए इससे ज़्यादा हो जाए तो तुम्हें पता चल, मतलब तुम प्रिज्म को देखते ही समझ जाओगे वो किस तरह का प्रिज्म है। अगर इधर पे आ गया तो ऑलवेज टी आई आर, यहाँ पे आ गया तो नेवर टी आई आर। ये वाला केस सबसे खतरनाक है और मैक्सिमम यही होता है जनरल केस, कि मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, टी आई आर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फिर क्या करोगे, आई टी निकालोगे। अब अगर तुम्हारा इसके बाद अगर तुम्हारा आई लेस देन आई टी है और अगर तुम्हारा आई ग्रेटर देन आई टी है तो किस केस में टी आई आर होगा और किस केस में नहीं होगा बताओ। आई टी पे तो टी आई आर स्टार्ट हुआ है ना, तो इनमें से कौन सा वाला केस टी आई आर वाला है, लेस देन। वो नोट याद करो, लोअर द वैल्यू ऑफ आई हायर द चांसेस ऑफ टी आई आर। इस पे टी आई आर स्टार्ट हुआ और इससे और कम कर दोगे आई की वैल्यू तो क्या होगा, टी आई आर। तो ये कौन सा केस है जब सेकेंड सर्फेस पे टी आई आर होता है, और ये कौन सा केस है जनरल प्रिज्म के लिए जिसमें सेकेंड सर्फेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ये क्लियर है। रिफ्रैक्शन में डेल कैसे निकालते हैं, आई प्लस ई माइनस ए। और यहाँ पे चलो दोनों केस में बता दो जल्दी से ना, दोनों केस में मुझे एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। ये जनरल प्रिज्म पढ़ रहे हैं, जनरल प्रिज्म में अगर टी आई आर हो रहा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, और जनरल प्रिज्म में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, निकालो दोनों केसेस में। इसको आज जाके रिवाइज करना तब, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ना, तभी सब दिमाग में बैठेगा और इसके बाद कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तुम्हारा प्रिज्म में। रिफ्रैक्शन के केस में तो अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, बताओ क्या आता है, आई प्लस ई माइनस ए। और फिर उसको निकाल दिया था ई, और है ना ई को भी रख दिया था, गंदा सा फंक्शन था कुछ निकाला था ना, वो लिख लिया है ना, तो बोल दो एक बार और बोल दो क्या था गंदा सा फंक्शन, कुछ था है, चलो छोड़ो ऐसे नहीं दे ना। अच्छा मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, रिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये बताओ मैक्सिमम कब होगा और क्या हो सकता है रिफ्रैक्शन के केस में। क्या ई माइनस ए मैक्सिमम, ई माइनस ए होगा, ई क्या है, ई क्या है, ई तो कुछ नहीं है, ई तो बताना है तुमको, ई तो तुम्हें निकालना होता है। ई के टर्म्स में जवाब नहीं दे सकते भाई, क्या पाई बाई टू मैक्सिमम, ए पे डिपेंड नहीं करेगा मैक्सिमम। अब दिक्कत ये है कि इसका मैक्सिमम निकालना है, दिक्कत ये आ रही है कि जब आई को बढ़ाते हैं तो ई कम हो जाता है और ई को बढ़ाते हैं तो आई कम हो जाता है, फिर कैसे निकालें मैक्सिमम। आई इक्वल टू ई, उस पर तो हमने देखा था डेविएशन मिनिमम था, अरे ग्राफ बनाया था ना, मान लो लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है तुम्हारी, है ना, तो कुछ ऐसे गई, तो कुछ ऐसे गई, ये तुम्हारा एंगल ऑफ आई कहलाता है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ ई कहलाता है। तो जब भी इसको निकालना होगा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वगैरह करके ही निकाल सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, है ना, समझ ना, एक जगह वैल्यू बढ़ रही है एक जगह घट रही है। अच्छा दिखाओ ई क्या है, ई था क्या बताओ, एग्जैक्टली बताओ ई था क्या, आई प्लस ई क्या निकल के आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस 1/μ साइन आई बाय माइनस ए। अच्छा ये देख लो, इन दोनों में से कौन फास्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज डोमिनेट कर रही है,
इसका मैक्सिमम निकालने का तरीका वही है फिर, मैक्सिमा मिनिमा डेल इज ए फंक्शन ऑफ आई। और कोई तरीका है कि मैं सोच रहा हूँ? अच्छा हाँ, देखो स्टार्टिंग में कौन डोमिनेट कर रहा है, देखो हमने ग्राफ बनाया था ना, इसका ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, है ना, ये तुम डेल आर लिख रहे हैं और ये क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे आई। तो हमने ये चीज़ देखी थी ना कि देखो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब था, आई इक्वल टू जीरो डिग्री पे, ठीक है। जब आई को जीरो रख देंगे तो ई कितना हो जाएगा बताओ, और मैक्सिमम क्या आएगा, आई तुम्हारा कितना हो सकता है आई टी, क्योंकि आई को भाई गड़बड़ हो रही, रुको, आई कम करने पे टी आई आर के चांसेस बढ़ते हैं ना। तो ये तुम्हारा जीरो डिग्री नहीं है, ये तो अपन उस समय तो जीरो से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मान रहे थे ना कि हमेशा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये तुम्हारा आई टी होगा क्योंकि देखो हम रिफ्रैक्शन वाले डेविएशन का ग्राफ बना रहे हैं, ये समझो, ठीक है। तो आई आई टी से स्टार्ट होगा ना, ये समझ रहे हो क्या, क्योंकि आई अगर आई टी से कम हो गया फिर तो क्या हो रहा, और ये तो सिर्फ रिफ्रैक्शन वाले का ग्राफ था, हम ग्राफ ही उस डेविएशन का बना रहे हैं जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आई आई टी से स्टार्ट होगा, है ना, और ख़त्म कहाँ पे होगा, 90 पे, क्योंकि ज़्यादा एंगल अब आई टी से ज़्यादा करने पे तो हमेशा ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये क्लियर है कि आई टी से 90 तक जाएगा, देख लो यहाँ से क्लियर हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, जब आई आई टी से जाता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये क्लियर है क्या हमारा, ठीक है। अब जब आई हमारा आई टी होगा उस समय ई कितना होता है, अभी लिखा था जब आई आई टी होगा, आई टी वो एंगल है जब तुम्हारा क्या स्टार्ट हो रहा है टी आई आर, तो ई कितना होगा 90 डिग्री होगा ई तुम्हारा, ये क्या है, जब तुम्हारा आई आई टी होगा, देख लो यार टी आई आर स्टार्ट हो रहा है ना उस वक्त, और जब आई 90 डिग्री हो जाएगा उस समय ई क्या होगा तुम्हारा, उस समय ई की कुछ वैल्यू आ रहेगी, तुम रख के देख लोगे ना, आई को 90 डिग्री रखो, कुछ अच्छा आ रहा है क्या, म्यू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी, तो एक्चुअली म्यू आई ई तुम्हारा आई टी के बराबर हो जा रहा है ना, जब आई तुम्हारा पाई बाई टू है, देख लो रख के देख लो भाई तुम एक बार, है ना, ये तुम्हारा ई है ना, यही तो ई है, यहाँ पे आई को 90 रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, 1/μ, देखो बिल्कुल इसके जैसी बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो नींद आ रही है, क्या बकवास है ये, सुन लो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने भाई ये ग्राफ जो बढ़ा रहा हूँ मैं रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डेविएशन जो रिफ्रैक्शन का केस होता है उसका ग्राफ बना रहा हूँ जो अभी बनाया था, और मैंने कहा था ना उस समय मैंने एंड पॉइंट्स नहीं बताए थे, क्लियर नहीं करे थे, पर अब मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। ये वो रेंज है जब आई आई टी और 90 डिग्री के बीच में होता है तब रिफ्रैक्शन होता है, अब मुझे क्लियर ये वाली चीज़, तो अब मैं इस ग्राफ को अच्छे से बना सकता हूँ। और जब आई आई टी हो जाता है तो ई क्या होता है, पाई बाई टू, और जब आई पाई बाई टू हो जाता है तो ई तुम्हारा आई टी होता है, मतलब ये दोनों हमेशा इंटरचेंज करते हैं, ये तो हमने सिर्फ एक्सट्रीम एंगल्स पे देखा है, ये हमेशा के लिए ट्रू है ये वाली चीज़, समझ में आ रहा है क्या, मतलब मान लो किसी ऐसे एक रफ सा बना देता हूँ, इसका रीज़न अब तुम बताओगे ना, अब इन सब भी पॉइंट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलेंगी। मान लो तुम्हें ये चाहिए, ये कोई मान लो 45 डिग्री है, 45 डिग्री का डेविएशन चाहिए, और मान लो वो आ रहा है जब तुम्हारा आई कितना हो जाता है, मतलब मान लो जब तुम्हारा आई 30 डिग्री था उस समय तुम्हें ये वाला डेविएशन मिल रहा था, मतलब समझो पहले तो इस ग्राफ से एक चीज़ क्लियर, हर एक डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आएगा, ये क्लियर हो रहा है। मान लो यहाँ पे तुम्हें 30 डिग्री का डेविएशन चाहिए था, वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ रहा है। मान लो जब तुम्हारा आई 30 डिग्री था तब मान लेते हैं तुम्हारा ई कुछ था, मान लेते 50 डिग्री था एंगल ऑफ इमरजेंस, जब तुमने आई कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, जब तुमने आई 30 डिग्री करा उस समय एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया 50 डिग्री, और तुम्हें ये डेविएशन मिल रहा था। अब तुम आगे बढ़े, अब अगली बार तुम्हें ये डेविएशन कब मिलेगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ और एक्सप्लेन तुम करोगे, जब तुम्हारा आई 50 डिग्री हो जाएगा तुम्हें फिर सेम डेविएशन मिलेगा, और उस समय तुम्हारा ई 30 डिग्री होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा होगा, और रीज़न तुम बताओगे मुझे, आ गया, ठीक है रुको। और जो हमने 3-4 लॉ पढ़े थे, एक्चुअली हम यहाँ पे जितनी भी फिजिक्स कर रहे हैं सब कुछ तुम खुद से ड्राइव कर रहे हो ना, लॉ तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही पढ़े हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद एक और पढ़ा था, अगर उसको ध्यान रखोगे वही है भाई, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ
कि अगर आई 30 डिग्री रखने पे ई 50 आएगा तो आई 50 रखने पे ई 30 आएगा हमेशा, ये हमेशा होगा पहले तो, और उन दोनों पे सेम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? सोचो, वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, रे का अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए देन इट रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ। उसके टर्म्स में कुछ सोचो। मान लो तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इमरजेंस मान लो आ गया कितना ले रहे अपन 50 ले रहे हैं। यहीं पे मान लो अगर इस रे का डायरेक्शन में उल्टा कर दूं बिल्कुल, इस रे को अभी अपन बता 30 पे डाल रहे हैं तो इधर पे निकाल रहे थे, मान लो अब मैं इस रे को उल्टा कर दूं एकदम से डायरेक्शन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया ना। अब समझ में आ रहा है? तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 50 डिग्री, और अब हमें पता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि मतलब यहां पर एकदम से प्लेन मिरर लगा दूं, मान लो परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो रे टकरा के बिल्कुल वापस ऐसे जाएगी, और ऐसे जाएगी तो ऐसे ही बाहर निकलेगी। मतलब जब मैंने आई 50 डिग्री कर दिया तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी उसको फोर्स कर रहा है कि ई तुम्हारा 30 डिग्री होना ही होगा। देख लो एक बारी वाली चीज जरूरी है, इसलिए ये दोनों यहां पर अपन ने देखा ऐसा निकल के आया, पर एक्चुअली वो हर जगह ट्रू है। बहुत अच्छे से समझ लो वाली चीज। आगे क्या? तो पहले एक बार ये बना लो, पहले अच्छे से डायग्राम ये सब बना लो, फिर अपन आगे का डिस्कस करें। क्या फिर से बोलो? ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक ग्राफ है ये। ये तो इसमें तो तुम पूछ ही नहीं सकते, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये तो हो रहा है, तो उससे सिमेट्रिक क्यों होगा ये तुम एक्सप्लेन करना, पहले बना लो फिर उसका करते ना। तो फिर दिख रहा है हमको यार डेल आर मैक्स का बारा है, जब आई आई टी के बराबर हो ई पाई बाई टू, या फिर ये कुछ भी रख दो सेम बात है। ठीक है तो रखो भाई, आई को रख देते आई टी, तो डेल आर मैक्स आई इक्वल टू आई टी, और ई कितना हो गया पाई बाई टू माइनस ए, और आई टी कितना होता है तुम्हारा ये चीज़, तो डेल आर मैक्स निकल के आ गया, डेल आर मैक्स इज पाई बाई टू माइनस ए प्लस आई टी, और आई टी तुम्हारा कितना है साइन इनवर्स म्यू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी। तो ये मैं एंगल ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब दोनों सरफेस पे क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, उस केस में याद नहीं रखना। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? ये बहुत तगड़े पॉइंट्स हैं ना ये, और इनके रीज़न भी तुम्हें बता दिए गए हैं ना कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब बताओ जल्दी यहाँ पे बता दो यार, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है टी आई आर में, क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल वन प्लस डेल टू, और डेल वन क्या होता है आई माइनस आर वन प्लस पाई माइनस टू आर टू। अब ये सब लिख चुका हूँ मैं, इसलिए ऐसा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना? ठीक है, और अब मुझे डेल टी मैक्स निकालना है। मान लो अब टी आई आर के केस में मैक्सिमम कब आएगा, तो पहले तो थोड़े कांस्टेंट करते हैं इनको, है ना, आर वन आर टू, माइनस आर वन और माइनस आर टू को क्या लिख दूँ, एक माइनस आर वन और एक माइनस आर टू को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं मैंने आई माइनस टू ए, मैंने यहाँ पे माइनस टू एक माइनस आर वन ऐड कर दिया और एक प्लस आर वन ऐड कर दिया, तो माइनस टू आर वन माइनस टू आर टू माइनस टू ए हो गया, एक प्लस आर वन लगाना पड़ेगा, इसलिए करा क्योंकि आर टू से ज़्यादा हमें आर वन पता होता है ना, आर वन सीधा आई पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा करा मैंने। ठीक है, देखो इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो फिर अब आर वन को भी चलो उसमें कन्वर्ट करो, तो क्या रहा है भाई तुम्हारा आर वन और आई में क्या रिलेशन है, म्यू साइन आर वन इक्वल टू साइन आई, तो आई आर वन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन साइन आर वन बाय नहीं साइन आई बाय म्यू साइन आई बाय म्यू, और प्लस पाई माइनस टू ए। ये कुछ भी ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के डरो मत, बस याद करने के लिए नहीं है ये, बस निकालना सीख रहे हैं कि निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकालना आना चाहिए बस। तो अब क्या आ गया भाई तुम्हारा, अब देख लो भाई कब होगा। तो क्लियरली देख रहा है आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये तो बहुत आसान हो गया, मोनोटोनिक फंक्शन आ जाता है तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, दिक्कत तो इस तरह के फंक्शन में होती है।
और दिक्कत ये हो रही थी कि डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते इसको, मतलब कर सकते हैं पर बहुत गंदा एक्सप्रेशन आएगा, तो हमने लॉजिकली सॉल्व करा, है ना, समझ रहे हो? इसको बताओ, इसमें तो क्लियर है आई की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम क्या होगी आई की, कितनी, आई टी 90 डिग्री नहीं होगी, 90 डिग्री पे तो देखो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अरे केस तो देख लिया करो भाई, आई लेस देन आई टी ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद तो मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोल रहा है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू आई टू है, आई टी है, तो रखो भाई डेल्टी मैक्स है ना, कब होगा ना, एट आई इक्वल टू आई टी तुम्हारा डेल्टी मैक्सिमम आएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, आई प्लस साइन इनवर्स, और साइन आई टी को रखोगे तो साइन आई टी कितना आ जाएगा तुम्हारा, साइन आई टी इज म्यू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी डिवाइडेड बाय म्यू, है ना, तो म्यू से म्यू कट गया, देखो वहां से लिख दिया, प्लस पाई माइनस टू ए, अब देखो साइन इनवर्स और साइन ये भी कट गए, है ना, तो तुम्हारा क्या आ रहा है डेल्टी मैक्स, अब थोड़ा सा मिटा दें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद कितना आ गया बताओ डेल्टी मैक्स तुम्हारा, आई टी प्लस साइन इनवर्स और साइन कट गया ए माइनस थीटा सी, और ए माइनस टू ए कितना होगा, माइनस ए, और माइनस थीटा सी प्लस पाए, तो प्लस पाए माइनस थीटा सी, ये तुम्हारा डेल्टी मैक्स आ गया। अब ये क्यों निकाला है उसका रीजन बताता हूँ, ये याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया एक तो तुमने, दूसरा बस एक कंक्लूजन आएगा जो ध्यान रखना है, डेल्टी मैक्स और डेल आर एम एक्स में बड़ा क्या है, देखो आई टी आई टी तो दोनों में सेम है, आई टी आई टी दोनों में सेम है, हटा दो, ये तुम्हारा आ रहा है पाई बाई टू माइनस ए, और ये आ रहा है तुम्हारा पाई माइनस ए माइनस थीटा सी, और बताओ क्या बड़ा है, मतलब क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि एक प्रिज्म दे दे, बस तुमने उसने एक प्रिज्म दे दिया, और प्रिज्म मान लो नॉर्मल वाला प्रिज्म निकला, सबसे खतरनाक केस तभी होता है नॉर्मल वाला प्रिज्म निकल गया जिसमें कुछ एंगल पे टी आई आर होगा, कुछ एंगल्स पे रिफ्रैक्शन होगा, अब पूछे भाई मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालो, मैक्सिमम लोग तो सीधा आई प्लस ई माइनस ए करके फटाक से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है ना, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, यहाँ पे टी आई आर भी हो सकता है कुछ एंगल्स के लिए, कुछ एंगल के लिए रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो हमने उन दोनों का मैक्सिमम निकाला, उनको कंपेयर कर रहे हैं उनमें से बड़ा कौन सा है, और प्रिज्म है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही एयर से ज़्यादा होगा, है ना, अगर स्पेशल कुछ बनाना चाह रहे हो तो बात अलग है, वरना तो होता है भाई नॉर्मल केस में, थीटा सी पाई बाई टू से कम रहेगा, ठीक है थीटा सी पाई बाई टू से कम है, तो तुम क्या बोल रहे हो, थीटा सी पाई बाई टू से कम है तो पाई माइनस ए माइनस थीटा सी, है ना, अच्छा माइनस ए को भी हटाई देना, आई टी माइनस ए को तो हम हटा दें ना, अब हमको किस किस को कंपेयर करना है, पाई माइनस थीटा सी, हमको पाई माइनस थीटा सी और किसको कंपेयर करना है, पाई बाई टू को, और इसका आर्ग्यूमेंट है भाई कुछ भी हो जाए सही बात है, थीटा सी पाई बाई टू से तो कम ही होगा, थीटा सी पाई बाई टू से कम है, तो थीटा सी पाई बाई टू से कम है तो ऑब्वियसली वाली क्वांटिटी तुम्हारी क्या आएगी, पाई बाई टू से जाता है, समझ में आ रहा है क्या, तो ये वाली, क्योंकि ये पाई बाई टू से कम है तो ये वाली क्वांटिटी पाई बाई टू से जाता जाएगी, बिल्कुल सही है, तो इससे हमने क्या एक कंक्लूजन तो क्लियर दिख गया कि टी आई आर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा रिफ्रैक्शन से ज़्यादा ही होगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन, और दिख भी रहे ना टी आई आर में तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है यार, भावे तो हल्का फुल्का मुड़ती है रिफ्रैक्शन में, तो पूरा पलट जाती है ना एक तरह से रे, तो टी आई आर में एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा रिफ्रैक्शन वाले से ज़्यादा होगा ऑलवेज, लिखो ठीक है आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं डेल मिनिमम, है ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, है ना, तो हम सीधा बोल रहे हैं कि हम केस ही कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ सरफेस वाला केस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ सरफेसेस वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा हमें वो निकालना है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल मिनिमम ये निकालना है तुमको, तो क
कब होगा पहले तो, उस समय आई की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने पढ़ा था, याद करो, वहां पे एक एक स्टेटमेंट और लिखा था कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब आता है, कहां पे मिनिमम, देखो यहीं पर तो है, और कब आता है, जब आई तुम्हारा किसके बराबर हो जाता है। पहले तो सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करो, अब तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है इसको एक्सप्लेन करने की कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आई इक्वल टू ई पे क्यों आ रहा है। मैंने तो ये रिजल्ट बताया तुमको, सोचो और बताओ, ऐसा आर्गुमेंट देना कि जो गलत ही ना हो पाए। अभी सॉल्व कुछ नहीं करना है ना, ये तो निकालना बहुत आसान है, ये नहीं करना मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, ये पता करना है कि ये क्यों आया। इसके बाद ये करना तो बहुत आसान काम है, आई इक्वल टू ई पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्यों है, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? तुम्हारे पास लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें हैं, सोच के बताओ। और ये ग्राफ है तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन में, मैंने तुम्हें ये ग्राफ दे दिया, पर इस ग्राफ को देख के ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि इधर पे आई और ई बराबर होना चाहिए। हाँ, एक दिख रहा है ये, इस पे एक ही वैल्यू हो गई आई की। देखो सीधी सी बात है, हमें ये पता है कि जब मैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से लाइट रे को रिवर्स कर देता हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं होता, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मान लो इस एंगल के लिए अगर मान लो मिनिमम डेविएशन आ रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल मान लो उसके लिए मिनिमम डेविएशन आ रहा है, तो जब उसको रिवर्स कर देंगे तब भी मिनिमम डेविएशन ही आएगा, समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो क्या? लाइट रे का डायरेक्शन रिवर्स करने से एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं करता, एंगल ऑफ डेविएशन वही रहता है। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अब मतलब अगर जिस आई की वैल्यू के लिए मिनिमम डेविएशन मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो ई की वैल्यू उसके लिए भी मतलब मिनिमम डेविएशन मिलेगा, पर ये ग्राफ हमको बता रहे ऐसी ए की वैल्यू, देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे आई अगर 30 के लिए मिला था तो वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो ई की वैल्यू थी उसके लिए भी वही डेविएशन मिला था। ये ग्राफ हमको बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन एक ही आई की वैल्यू के लिए है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ हमको बोल रहा है कि मिनिमम, बाकी सारे डेविएशन के लिए दो 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 आई की वैल्यू है, जैसे ये वाला डेविएशन चाहिए तो एक आई की वैल्यू ये है, एक आई की वैल्यू ये है, पर मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ एक ही आई की वैल्यू है, ठीक है। और हम ये एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मिनिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू एक ही है, ये हमको ग्राफ से पता चल रहा है। दूसरी बात हमको ये पता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो डेविएशन चेंज नहीं करेगा। मान लो अगर आई और ई अलग अलग है, मान लो 30 और 50 डिग्री है, ये वो एंगल है जिसके लिए मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, तो एक बार तो तुम्हें मिनिमम डेविएशन आई 30 के लिए मिल गया, अब इसको तुम रिवर्स कर रहे हो तो डेविएशन तो चेंज करेगा नहीं, मतलब ये भी मिनिमम डेविएशन है, पर ये तुम्हें आई किसके लिए मिल रहा है, 50 के लिए। तो अगर आई और ई अलग अलग है तो तुम्हें मिनिमम डेविएशन दो आई की वैल्यू के लिए मिलने लगा ना, एक 30 के लिए दूसरा 50 के लिए, पर ये ग्राफ तो बोल रहा है आई की ऐसी एक ही वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है कि आई और ई बराबर होना चाहिए, एक ही मतलब निकलता है। क्लियर है क्या वाली चीज़? तो उससे तुम्हारी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, जब भी आई और ई बराबर होंगे, जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होगा, है ना, जब भी तुम्हारे आई और ई बराबर होंगे तो तुम्हारी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना। ये तुमने डाला इरा और ऐसे बाहर आ गया, तो ये तुम्हारा आई है, ये एंगल भी आई रहेगा, और इस समय जो डेविएशन होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, मिनिमम डेविएशन। समझ में आ गया क्या? जितने एंगल पे लाइट अंदर जाएगी उतने ही एंगल पे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो फिर अब तो निकाल ही लेते हैं डेल मिनिमम क्या आ जाएगा, फिर हमें पता चलिए आई इस समय क्या है, ई के बराबर, तो डेल मिनिमम क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस ए होता है, तो टू आई माइनस ए आ गया। अच्छा ये और देख रहा है कि क्योंकि आई और ई बराबर है तो आर वन और आर टू भी बराबर होंगे, दिख रहा है क्या स्नेल्स लॉ से? ठीक है, और आर वन और आर टू बराबर है, और हमको पता है आर वन प्लस आर टू क्या होता था, तो इससे पता चल गया आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, ये भी क्लियर हो गया देखो। और हमको पता है कि साइन आई इज़ नथिंग बट म्यू इंटू साइन आर, और आर टू कितना बराबर है तुम्हारा ए बाई टू, तो साइन आई किसके बराबर आ गया तुम्हारा, म्यू इंटू आर वन किसके बराबर ए बाई टू, म्यू इंटू साइन ए बाई टू, मतलब बोलो कि वो एंगल भी अब कोई ये वो कोई वो वेरिएबल नहीं है ये वाला आई, ये कब हो रहा है जब आई ई के बराबर हो रहा है, और वो आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये कोई वो नहीं है कि तुम 0 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री ले लो, वो आई क्या होगा उस वक्त,
जब मिनिमम डेविएशन चाहिए उस समय आई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तुम्हारा आई क्या होगा है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर मिनिमम डेविएशन। ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जब आई और ई बराबर हो रहे होंगे, और वो वैल्यू ये है, वैल्यू ऑफ आई फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो रखो इसको। तो क्या लिख सकते हैं भाई अपन, आई को अपन रख देंगे तो साइन इनवर्स म्यू साइन ए बाई टू, यहां से उठा के वैल्यू रख देना, आई की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, तो आई क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा साइन, आई की जगह पे क्या आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू है ना, ये आ रहा है यहाँ से, इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू। तो तुम्हारा एक निकल के आ गया, ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये तुम्हारा प्रिज्म डिज़ाइन करने में काम आता है ना। कोई बोल दे कि भाई तुम्हें ऐसा प्रिज्म चाहिए जिसका मिनिमम डेविएशन ये हो, तो फिर म्यू और ए में ये रिलेशन होना चाहिए, तो जो मिनिमम डेविएशन चाहिए उसके हिसाब से तुम बताएं प्रिज्म डिज़ाइन कर लेते हो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, ये याद रखने वाला फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो। देख लो थिन प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थिन प्रिज्म। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाओ मेंशन नहीं करा गया प्रिज्म के बारे में कुछ भी, तो थिन प्रिज्म मान लेना। ठीक है, अगर दे रखा है भाई एंगल 60 डिग्री वगैरह ये है तो फिर नहीं होगा। थिन प्रिज्म का सीधा सा मतलब क्या है, ए इज वेरी स्मॉल, ऑब्वियस बात है ना, थिन मतलब ऐसा पतला सा प्रिज्म, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है, कितना छोटा उसकी कोई वो नहीं होता ना, 50 डिग्री भी छोटा हो जाएगा और कहो तो 1 डिग्री भी छोटा ना हो, वो डिपेंड करता है हमारी एक्यूरेसी पे है ना, हमें कितना प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो ए इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, और इसमें थिन प्रिज्म का मतलब तो वैसे लिटरली तो इतना ही निकलता है कि ए इज़ वेरी स्मॉल, पर बाई डिफॉल्ट इसके साथ एक कंडीशन और एडेड होती है हमेशा, वो क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं करेंगे, वो एडेड होती है, वो तुम्हें मान के चलना है। दो मतलब इसलिए तुम्हारे लिए थिन प्रिज्म मतलब अपने आप तुम दो चीज़ें मान लेना, एक तो ए इज वेरी स्मॉल, दूसरा नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ये तुम्हें अपने आप मान के ही चलना है कि अगर थिन प्रिज्म दिया है तो तुम नियर नॉर्मल इंसिडेंस ही करोगे, बाय डिफॉल्ट मान लेना। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या निकल रहा है, क्या बताओ नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, कि जो तुम लाइट डाल रहे हो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल डाल रहे हो, मतलब जो एंगल आई है इसका मतलब क्या है, एंगल आई इज वेरी स्मॉल, बाई डिफॉल्ट इसका मतलब ये है। तो क्लियर है या नहीं, तो थिन प्रिज्म के कितने मतलब है, दो है ना। ठीक है, अब देखो एंगल आई अगर छोटा है, एंगल आई छोटा है और इसनेस लॉ क्या बोलते हैं, हम लिख सकते हैं वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू, तो बताओ अगर आई छोटा है तो जरूरी है कि आर वन भी छोटा हो, अरे म्यू तो एक कांस्टेंट है, समथिंग वेरी स्मॉल डिवाइडेड बाई सम फाइनाइट नंबर, तो आर वन तो छोटा हो गई होगा, बोल सकते हैं क्या बाई डिफॉल्ट आर वन इज वेरी स्मॉल, एक कंक्लूजन ये निकल गया। कंडीशन दो है, देखो भाई कंडीशन सिर्फ दो है, ए इज वेरी स्मॉल एंड आई इज वेरी स्मॉल, अब इससे बाकी सारी चीजें क्या हो रही हैं, निकल के आ रही हैं, तो ये दोनों बहुत छोटे थे तो आई छोटा होने से हम बोल सकते हैं आर वन इज वेरी स्मॉल। बताओ यहां तक कुछ डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या लिखे, आर वन बहुत छोटा हो गया, अब हमें पता है भाई कुछ भी हो जाए आर वन प्लस आर टू तो क्या होता है ए, अब मेरी बात सुनो, आर वन बहुत छोटा है अभी निकाला, ए बहुत छोटा है ये गिवन है, होने ही है उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, आर टू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब अगेन इसनेस लॉ लगा दो यहाँ पे, तो म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू साइन ई, अब क्योंकि आर टू बहुत छोटा है और म्यू कोई फाइनाइट नंबर है
बहुत छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किसी फाइनाइट नंबर से, निकल के क्या आएगा? बहुत छोटा। तो अगेन इज, ये मैंने समझाने के लिए बताया ना, बाकी बुक में तो बोलते भी नहीं और सबको बिल्कुल छोटा मान लेते हैं, ये तक मेंशन नहीं करते। दिक्कत क्या है, वो ये मेंशन भी नहीं करते और मान लेते हैं। ये दो कंडीशन के साथ ये सब निकल के आया है, ठीक है क्या? अब तुम बताओ मेरे जल्दी से, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? फाइंड डेल, बस मेरा क्वेश्चन इतना सा है, फाइंड डेल। और जब बताया थिन प्रिज्म होगा तो तुम सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला केस मानोगे, टीआईआर वाला नहीं मानोगे, क्योंकि याद करो ए लेस देन थीटा सी के लिए हमेशा रिफ्रैक्शन होता था, और यहाँ पे तो ये बहुत छोटा है तो बाय डिफॉल्ट रिफ्रैक्शन वाला केस मानना है। तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? आई प्लस ई माइनस ए, ई को क्या ले सकते हैं अपन? देखो यहाँ से देखो, क्योंकि ये सब बहुत छोटे हैं तो E को मैं अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ, E इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली म्यू आर टू। देखो जब E बहुत छोटा है तो साइन E को E लिख सकते हैं, साइन आर टू को आर टू लिख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है ना, तो E को म्यू आर टू लिख सकते हैं। और इस स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देख लो भाई कोई डाउट है तो क्या आ गया तुम्हारा, एंगल इज अप्रोक्सीमेटली म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए। अब तो तुम आगे समझ ही गए हो, म्यू इंटू आर वन प्लस आर टू माइनस ए, आर वन प्लस आर टू क्या होता है और ए, तो डेल इज इक्वल टू म्यू इंटू ए माइनस ए, मतलब डेल इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है तुम्हारा, म्यू माइनस वन इंटू ए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको याद रखना है, इसको एस सी वर्मा से मत पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वे में दिया है। डेल तुम्हारा क्या आया, म्यू माइनस वन इंटू ए। अब जब भी वो थिन प्रिज्म बोलेगा ये फॉर्मूला लगा देंगे। इम्पोर्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ इस फॉर्मूले के बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस फॉर्मूले के बारे में, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। समझ में आया क्या, मतलब थिन प्रिज्म की प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर उसको 30 डिग्री डेविएट करना है तो कैसी भी लाइट डालो वो 30 डिग्री डेविएट कर देगा, प्रोवाइडेड आई इज स्मॉल, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। डेल इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, याद रखना है इसको, ठीक है। प्रिज्म खत्म है हमारा ना, इस पर सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो एक कुछ याद रखनी ना, मैं बता रहा हूँ, असलियत में तो तुम्हारा आई बहुत स्मॉल होना चाहिए, पर तुम्हें पता ही है एग्जाम्स किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि भाई इस फॉर्मूले के पीछे कंडीशन क्या है। तो कभी एग्जाम में थिन प्रिज्म दे दे और लाइट को बड़े से एंगल पर डाल दे, कोई बात नहीं, जब भी थिन प्रिज्म बल्ब पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या दिया है, तुम तो यही फॉर्मूला लगाना है ना, लगाना और सॉल्व करना, एग्जाम अलग तरीके से देना है, एग्जाम सॉल्व करते हुए देना है ना, कि वहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना है। और कंसेप्ट तो ये है कि भाई असलियत में तभी ट्रू है जब आई स्मॉल होगा।